शांति आज का गीत आज की बाबा की मुरली और आज की मतेश्वरी जी की मुरली तीनों चीजें एक ही बात को स्पष्ट करती हैं वो क्या है एक है ऊंचाई और एक है चौड़ाई कई व्यक्ति चौड़ाई को ही बहुत बड़ा समझ लेते हैं सच्ची बात है विशाल विशाल का मतलब होता है चौड़ा लेकिन आप जानते हैं कि चौड़े से पहले एक शब्द और यूज़ किया जाता है वो कौन सा है लंबा है ना कोई ये नहीं कहेगा चौड़ा लंबा क्या कहेंगे लंबा चौड़ा तो पहले क्या आया लंबाई अच्छा लंबाई होती है ज्योग्राफी और चौड़ाई होती है हिस्ट्री अब भगवान कहता है अगर कोई हिस्ट्री पढ़ ले तो हिस्ट्री किस किस लोक की होगी सतयुग से कलयुग तक की हिस्ट्री पढ़ ले तीनों लोकों की पढ़ ले आगे पीछे की पढ़ ले किस लोक की हिस्ट्री होगी इसी लोक की होगी ना इसी लोक का सतयुग इसी लोक का कलयुग हाँ बाबा ने तो एक बहुत ही मजेदार बात कह दी है कि सारे ही युग अकल्याणकारी हैं आगे तो नहीं सुना होगा आपने कि सतयुग भी कल्याणकारी है त्रेता भी एक कल्याणकारी है केवल एक युग जो है कल्याणकारी वो संगम युग है अच्छा इसलिए बाबा कहता है विशाल बुद्धि अर्थात बहुत ज्ञान बहुत ज्ञान इतना ज्ञान एक दो दिन पहले बाबा ने कहा था कि जगदीश बच्चा बाबा मम्मा से भी ज़्यादा अच्छा समझा सकता है फिर बाबा ने क्वालिफाई कर दिया कि बाबा इस प्रकार से बच्चों की महिमा करते हैं लेकिन हमें अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना तो भाव ये है कि ऊंचाई आज बाबा ने किस चीज़ पर महत्व दिया पहले ऊंचाई तक पहुंचो फिर चौड़ाई की बात करो ऊंचा आसन होता है ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंची होती है संगम युग भी ऊंचा होता है इसलिए क्या कहा जाता है कौन ऊंचे से ऊंचा है ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा गधाम ऊंचा तेरा काम गीत भी यही कह रहा है कि तू ऊंचे से ऊंचे आसमान पर सातवें आसमान पर रहता मम्मा ने भी यही कहा कि डॉक्टरी पढ़नी हो कई डॉक्टर पढ़ा देंगे वकालत पढ़नी हो कई वकील पढ़ा देंगे पर ये जो है ईश्वरी पढ़ाई ये एक ही पढ़ा सकता और वो ऊंचे से ऊंचा है तो हम लोग कितने लकी हैं कि भगवान ने हमको एक शॉर्ट में एक मुरली आप पढ़ लो उसमें सारा सार ज्ञान का सारी गीता का और वन्य कई वेद शास्त्र तो पत्ते हैं सारा सार और मतेश्वरी जी ने तो आपको छः सात पॉइंटों में अगर कोई अपनी डायरी में नोट कर ले ये सारा ज्ञान के जितने पॉइंट हैं सार में बता दिए अच्छा अब बाबा कहता है एक होता है दूरदेशी दूरदर्शी हैं दूरान कहते हैं और एक होता है विशाल बुद्धि तो देश का मतलब क्या हुआ स्थान सबसे दूर सबसे ऊंचा किसका स्थान है सिर्फ बाबा का हम भी तो वहाँ रहते हैं हम भी तो वहाँ के बसिंदे हैं ये गीत है ना हम परिंदे हैं हम बछिंदे हैं तो हमारा भी वो स्थान है इस वक्त हम यहाँ आए हुए हैं इसलिए अपने आप को पहले बाबा कहता है कि पहले तो तुम दूर देशी बनो दूरांदेशी बनो दूरांदेशी को फार साइटेड भी कहते हैं बहुत दूर की देखने वाला अब दूर की कह गोले में तो आप दूर देख ही नहीं सकते लेकिन परम धाम में आप दूर से दूर देख सकते दुनिया वाले कितनी भी बड़ी टेलीस्कोप लगा लेंगे चांद तक देख लेंगे लेकिन परम धाम को देखने के लिए बाबा ने हमें कौन सा यंत्र दिया तीसरी आंख तो तीसरी आंख ऐसी चीज़ है जिसमें आप हिस्ट्री भी जान सकते हैं ज्योग्राफी भी जान सकते हैं तो आज बाबा ने कहा कि मैं मेरे भाग्यशाली बच्चे हैं क्योंकि मैं ही ये ज्ञान सुना सकता हूँ और बच्चे ही सुन सकते हैं जिन बच्चों ने आना है मेरे कुल में वो सुनेंगे वो समझेंगे बाकियों की बुद्धि से बाहर है आप सुनाते भी रहोगे अब किसी को इंग्लिश नहीं आती उसके पास बैठ के आप इंग्लिश जितनी मर्जी बोलते रहो उसके लिए क्या है काला अक्षर भैंस बराबर इसी प्रकार से कोई विद्वान आचार्य कोई आ जाए उसको आप ज्ञान सुनाओगे तो उसके पल्ले पड़ेगा कहेगा पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं कल्पना कर रहे हैं अब बाबा कहते हैं कि एक चीज़ है ऊपर से नीचे को आ रही है एक चीज़ है नीचे से ऊपर को जा रही है ठीक है ऊपर से नीचे को क्या आता है और नीचे से ऊपर को क्या जाता है कई बार हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि इस दुनिया में पहले सिल्वर जुबली आएगी फिर गोल्डन जुबली आएगी फिर डायमंड जुबली आएगी और बाबा की दुनिया में पहले डायमंड आएगा फिर गोल्ड आएगा फिर सिल्वर आएगा फिर कॉपर आएगा है ना क्योंकि संगम युग क्या है हाँ सतयुग क्या है बाबा कहता है, वो तो बेचारे ना दूरान देशी या ना त्रिकालदर्शी छोड़ दो अब देखना क्या है इन दोनों चीज़ों का मिलान कैसे किया जाए हम इतने ही कह के छोड़ दें कि जी वो तो ऐसे ऊपर से नीचे आता है वो नीचे से ऊपर जाता है मुलाकात जाके संगम युग पे होती है परम सूक्ष्म लोक में होती नहीं हमारी प्रालब्ध हमारी प्रारब्ध ऊपर से नीचे आती ठीक है और हमारा पुरशारथ नीचे से ऊपर जाता तो बाबा कहता है कि नहीं अभी तुम कॉपर एज तक पहुंचे हो अभी तुम्हें सिल्वर एज तक पहुंचना है फिर तुम्हें गोल्डन एज तक पहुंचना है ये किसके लिए कहा गया पुरुषार्थ के लिए और प्रारब्ध जो है जिस जिस एज तक पहुंचेंगे उसी एज पर फिर हमारी प्रारब्ध शुरू होगी अब गौर करने की बात है आपने एक बोरी को भरना है ठीक है आपको एक बोरी दी जाए आप इसको सोने से भरो चांदी से भरो किसी से भी भरो तो बोरी ऊपर से नीचे को भरती या नीचे से ऊपर को नीचे से ऊपर को मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोरी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले चौथा ऐसा बोरी भर जाए फिर ऊपर की भर जाए बीच में खाली रहे ऐसा तो नहीं होता कभी नीचे अब देखना ये है कि हमारी प्रालब्ध जो होती है चाहे सतयुग से शुरू कर लो चलो त्रेता से शुरू कर लो तो जो प्रालब्ध होगी वो लगातार चलेगी या बीच में गैप होगा लगातार चलेगी ना अब त्रेता से किसी की प्रारब्ध शुरू हो गई राम जी की तो लगातार चलेगी ना अच्छा किसी की सतयुग से शुरू हो गई तो लगातार चलेगी द्वापर से शुरू होगी तो लगातार चलेगी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हमने जितनी परालब्ध इकट्ठी की है वो नीचे से बोरी भरेगी जितनी भर गई वहाँ से हमारा शुरू कर दिया जाएगा अगर हमने अपने जीवन में ब्राह्मण जीवन में चार पांच काम गोल्डन एज के कर भी लिए बाकी सिल्वर एज के किए तो आपका ख्याल ऐसे थोड़ी होगा कि आपका एक जन्म तो सजयुग में हो जाए फिर बाकी आप परम धाम चले जाएं फिर ऐसा तो नहीं होगा तो क्या होगा फिर आपकी गोल्डन एज की को सिल्वर में बदल दिया जाएगा और सिल्वर एज की टोटल हो जाएगी है जिस के, के बाद 2000 का नोट हो उसको दो सौ रुपया चाहिए तो चेंज करा लेता है तो अब आप ये सोच लो कि बीच में बाबा जब कहता है निरंतर याद करो निरंतर सेवा करो तुम ब्राह्मण बगैर निरंतर अर्थात उसके अंदर कोई अंतर नहीं आना चाहिए तो क्या होगा अगर हम बीच में अंतर डालते हैं है ना आपको पता ना एक जादू के लिए क्या कहा जाता अंतर फिर आगे क्या मंत्र और फिर क्या जंतर हाँ तो अगर हम अंतर डालते हैं तो बाबा कहते हैं ये भी देखो अंतर है या महान अंतर है है ना अंतर के लिए मंत्र काफ़ी और महान अंतर के लिए महामंत्र काफ़ी ज़रूरी है, है अब आप देखो कि हमने बीच में गैप डाल लिया मान लो क्लास में चार दिन नहीं आए अब भगवान तो हाजरी लगाता है अच्छा अब क्या होगा कि ऊपर आपका रजिस्टर धर्मराय देखेगा इसके चार दिन कम हैं तो क्या करेगा बोरी तो नीचे से भरनी है ना थोड़ा नीचे कर देगा हाजिरी में कोई भी आप काम करोगे इसलिए प्रारब्ध हमारी घटती है अगर हम कोई गफलत करते हैं और पुरुषार्थ हमारा बढ़ता है अगर हम कुछ मेहनत करते ध्यान रखते इतना ही है फाइनल क्या होगा कि हमारा टोटल किया जाएगा ऐसे नहीं है कि हम बाबा कहते किसी को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है दुकानदार भी होता है कई बार मुरलियों में आया है कि जब ब्रह्मा बाबा थे बम्बे में तो समुंदर के जहाज़ आते थे उन दिनों में और समुंदर के जहाज़ कहीं पंद्रह दिन रुकते थे कहीं सात दिन रुकते थे तो उस जहाज़ के अंदर जितने मुसाफिर होते थे उनको शहर नगर का तो पता नहीं होता था तो सारे दुकानदार जो 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 चीज़ उनको चाहिए होती थी वहाँ ले जा करके दिन रात जा के स्टॉक इकट्ठा करके बेचते थे तो पंद्रह दिन में उनकी सारे साल की कमाई हो जाती बाबा बताते हैं अब दिवाली के दिनों में देख लो क्या होता है कि हलवाई लोग क्या करते हैं मीना मीना पहले मिठाइयाँ तैयार कर लेते क्योंकि दो दिन में जो है बिक जाती है तो जब ऐसा मौका होता है तो व्यक्ति जागृत रहता है कि भी चार दिन जाग लो उसके बाद तो सोई से आराम करेंगे आप कभी किसी चीज़ को देख लो किसान को भी पता है कि इन दिनों में बारिश आनी है वो दिन रात लग के खेत तैयार कर लेता है कहता अब थोड़ी मेहनत कर लो फिर आराम से रहेंगे तो यहाँ भी ऐसे ही है अगर हमने ये जो हमारा संगम का युग है जिसको बाबा कल्याणकारी कह रहा है तुम्हारा बैंक खुला हुआ है अब खुला हुआ है अब आप जितनी मर्जी दान भी कर सकते हो सतयुग में आपके पास कोई दान लेने वाला नहीं रहेगा है ना कुछ भी कर सकते और ख़ास बात है कि तुम बिल्कुल बैंक्रप्ट भी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ बैंकर साथ है हमने अपनी मेहनत मेहनत भी नहीं करनी कहता है कि ठीक है तुम मेरे बन जाओ बस मेरे कहने पे चलते रहो तो मैं तुम्हारी मैं माल देता जाऊंगा तुम सप्लाई करते जाना जैसे यहाँ पर किचन में बाबा का ही भोजन बाबा के बच्चों को हम खिलाते हैं ना तो हम दिल खोल के खिलाते हम कहते हैं और ले ले अगर मेरा अपना होटल हो तो मैं कहूँगा और ले ले मैं कहूँगा थोड़ा कम दे दो इसको है ना दुकानदार भी ऐसे ही कहते हैं जरा सी चीज़ होगी ऐसे करके धीरे धीरे दिखाएंगे बहुत लिहाज कर रहे हैं अब बाबा कहते जब इतना अथहा है कि मैं राजा का बच्चा नलायक भी हो तो राजा सोचता मेरा बच्चा ना राजा का नालायक बच्चा भी प्रजा के लायक बच्चे से ज़्यादा उसको पावर होती है इसलिए हमको देखना है अगर हमने अपनी बोरी पूरी भरनी है तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए ये नहीं कि हम पन, दो महीने ब्रह्मा कुमार रहें फिर पंद्रह दिन जाके लौकिक हो के आ जाएं, फिर पंद्रह दिन अच्छी मेहनत करें फिर जिसको कहते ठंडा गरम, वैसे भी कोई ठंडा गरम खाता है तो नुकसान करता है इसलिए एक तो बाबा कहता है एक रस होना चाहिए पहले अलाउ करता था कि चलो अप डाउन हो जाए लेकिन जब फाइनल स्टेज आती है एक रस होना ही पड़ता कितनी भी तेज़ नदी हो समुंदर में जाके क्या होता बड़ी तेज़ी से आएगी समुंदर में क्या होता जाके? ऐसे ठहर जाती है जैसे पता ही नहीं नदी की क्या स्पीड थी आप ट्रैफिक में चल रहे हैं तेज कार चला रहे हैं सामने जब लाल बत्ती आनी होती है आप पहले सोच लेते हैं कि मैंने बाई तरफ जाना है तो पहले से ही बाई तरफ की तैयारी कर लेते हैं कि ऐसा ना हो हरी बत्ती आए और मैं इधर खड़ा हूँ चेंज करते करते लाल हो जाए हर एक व्यक्ति सोचता है इसी प्रकार से हमको बाबा कहता है सारी बात की ज्ञान है केवल आज जो बाबा ने हमको तीन चार बातें अमृत वेले कही और कहा दृढ़ प्रतिज्ञा करो वो हमारे ही फायदे के हम सुन के ऐसे कर दें पहली क्या चीज़ थी हैं पहली पहली बहानेबाजी तो बहानेबाजी अब हमने अपने आप ही सोचना है कि हम बहानेबाजी अपने साथ करते हैं बाबा ने कहा वो अपने जज बनो दूसरे के वकील बनो और हम क्या करते हैं दूसरे के जज बन जाते हैं ये ऐसे क्यों करता है ये ऐसे क्यों नहीं करता है? जैसे मुकदमा लड़ रहे हो है ना उसका हमें बहुत ध्यान है तो बनना अपने जज है और अपने हम वकील बन जाते हैं वकील का क्या मन होता बाना करना कोई कारण बता दिया झूठा सच्चा आजकल झूठ की दुनिया है तो झूठ ज़्यादा चलता है झूठ को दूसरा जानते हुए ये झूठ एक्सेप्ट कर लेता है जी कल मुझे एक बहन का फोन आया अहमदाबाद में हम राष्ट्रपति से मिले ये किया वो किया अंत में कहती हैं मैंने आपका भी याद दिलवाया उनको वो कहती हाँ हाँ ब्रिजभोवन जी मुझे मिलते रहते अब सोचो मैं समझ तो सकता हूँ कि ऐड कर रही है मैंने उसको बोला नहीं कहने का भाव ये है कि ऐसा तो नहीं कि हमको पता नहीं रहता बाबा ने कहा भी हुआ है कि जो सीनियर होते हैं उनसे आधे लोग तो नाराज़ रहते हैं वो कहते मेरी बात नहीं मानी अब उनको पता नहीं है कि दोनों तरफ की बात का ध्यान रखना पड़ता तो इसलिए हम अपनी जजमेंट अपने लिए करें दूसरों के लिए नहीं करें नहीं तो धोखा हो जाएगा तो इसमें बहानेबाजी नंबर वन बाबा ने क्यों रखी कि बहानेबाजी माई बाप है किसका आलस और अलबेलेपन का और ये दो चीजें मैंने जो सारा कुछ कहा उसका भाव क्या था कि जब जागने का टाइम है जैसे कोई व्यक्ति एमरजेंसी आ जाए मान लो यहाँ आसपास एटम बम फूटने शुरू हो जाए तो आप अमृत अमृतवेले की क्लास में कितने लोग होंगे उस वक्त सारे रात को ही आ जाएंगे कि दरवाजा खोल भाई बंद क्यों किया हुआ है मैं अमृत वेला करना है आप बताओ क्यों ऐसा है क्योंकि उस वक़्त ना अलवेलापन आएगा ना आलस आएगा ना बहनेबाजी जान की फिक्र होगी तो बाबा कहते हैं ये जान की फिक्र हर समय क्यों नहीं रखते जबकि पता है दुनिया को तो पता नहीं तो दुनिया तो भाई चलो सोई हुई है क्योंकि उनको अज्ञान है हमको उसने चार आंखें खोल के बिगल बजा के हुटर बजा के बाबा ने जैसे एमरजेंसी होती है तो ज़ोर से सारे शहर में अलार्म बजाते हैं भाई जाग जाओ और यहाँ तो अलार्म कई कई देर से बजाया हुआ फिर उसको हम बंद कर देते हैं चल कोई नहीं एक अमृत वेला ये तो मिस किया है अब भगवान कहते हैं जो बीच में गैप डाला तो तुम्हारी बोरी नीचे से भरनी है ये आप सोच लो उसमें खाना खाली वैसे भी कोई लोग आजकल दुकानदार होते हैं ना भूसा भाषा भर के ऊपर चार सेब रख देते हैं टोकरी हो गई सेबों की आप देखते हैं कि नहीं तो जो व्यक्ति ये जानता है वो तो एक, एक, एक सेब खरीदता है और जो होता है सोई कार में बैठे दे दे टोकरी उसको भी पता है कि इसने किसी को ऐसे ही देनी है तो हम राष्ट्रपति भवन में जाते थे अब्दुल कलाम जी के वहाँ टोकरी होती थी वहाँ तो ठेकेदार होता है ना ऊपर ऊपर बहुत सजा हुआ नीचे ऐसे तो इसलिए भगवान कहता है कि आप आप अगर ऐसे करोगे तो बाद में सेबों का ही कीमत मिलनी है टोकरी की कोई कीमत नहीं लोग फेंक देते तो हमको देखना है कि हम अपनी बोरी को पूरा भरें और उसका एक ही तरीका है कि निरंतर बाबा तो कहता है रात को भी बाबा ब्रह्मा बाबा जागता था ब्रह्मा बाबा को सोच के जागता होगा कि नहीं रात को कोई एक सेकंड भी बाबा मिस नहीं करता था बल्कि दादियों को हमने देखा खींच खींच कर बाबा सर्विस कराता था कि दादी जी बैठे हैं लेट हो गया स्नान करना बिल्कुल सबको मिल के जा रहे हैं फिर कोई आ गया तो कहते दादी वो आया है तो ब्राह्मणी कहते दादी न हाथों लो दादी कहते नहीं नहीं उसको पता है कि बाबा खींच के मेरे से सेवा करा रहा है और यहाँ अगर हमने बहनेबाजी की तो किसका नुकसान कर रहे हैं इसलिए गीता में कहा हुआ है हमको पता है हमारा कोई मित्र नहीं है कोई शत्रु नहीं है हमारा मित्र कौन है हम ही अपने मित्र हैं हम ही अपने शत्रु हैं और हमारे शत्रु भी हमारे अंदर हैं हमारे मित्र भी हमारे अंदर हैं हम शत्रु को बाहर ढूंढ रहे हैं जैसे वो होता है ना नौ लखा हार गले में पड़ा है और राजकुमारी बाहर ढूंढ रही है इसलिए कहा जाता है अंतर्मुखी बनो अंदर की ओर देखो अंदर की शांति चाहिए तो ये जो दो आँखें हैं ये बाहर की ओर देखती हैं और जो तीसरी आँख है वो तो आपकी परम धाम तक भी जाती है अंदर भी देखती है अंदर झांकना है इसलिए रोज़ बाबा कहता है लेकिन आज जो बाबा ने सुबह शब्द कहे हैं कि अपने लिए दृढ़ संकल्प करो दृढ़ अपना भला बुरा सोच के कि मैं बहानेबाजी नहीं करूँगा या करूँगी मुझे बहानेबाजी दूसरों को तो मेरी खप जाएगी लेकिन अंदर जो मेरा खाली हो जाएगा जब मेरी बोरी इतनी बड़ी बोरी होगी तो हम क्या कहेंगे बाबा इतनी बोरी ना दे छोटी थैली दे दे मेरा तो इतनी प्रारम्भ दे मैंने बोरी लेके क्या करना उस वक़्त क्या होगा जब देखेंगे दूसरे तो बोरियां लेके जा रहे हैं फिर कहेंगे अरे छतयुग भी गया त्रेता भी आधा गया त्रेता में भी कई खड़े हैं वो कई एरिया होते हैं ना एक पौष एरिया एक बीच का एरिया एक स्लम एरिया एक झोंपड़ी अच्छा मेरा एड्रेस क्या है तो वहाँ लिखा होगा नारद जी आगे चलो नारायण नारायण बोलते रहो नारद जी आगे चलो वो कहेगा गया लक्ष्मी कहेंगे, वो वहाँ जाओ अच्छा इसलिए भगवान कहते हैं कि हमको पता है अब तो हम हंस रहे हैं कहानी सुन के लेकिन कहीं ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा इसलिए अपनी बोरी भर, भरनी है बाबा कहते हैं मैं लास्ट को भी मौका देता हूँ अगर हम अलबेलापन छोड़ दें आलस छोड़ दें उसके लिए बहानेबाजी छोड़ दें और ये समझ लें कि मेरा ही फ़ायदा है वहाँ से तो डायमंड से गोल्डन गोल्डन से सिल्वर सिल्वर से कॉपर और यहाँ हमको नीचे से ऊपर जाना तो हम जितना ऊपर नीचे से चले जाएंगे बाबा कहता उतरते तो स्लोली हैं और चढ़ते फट से हैं मेरी लिफ्ट है अगर कोई भी व्यक्ति अब भी च, बाबा की लिफ्ट बंद होने से पहले बैठ जाएगा फिर भी बाबा के बच्चे हैं बाबा कहता है मैं अंत तक जब तक मैं हूँ मेरी मदद आपको है जब तक बैंक खुला है आप में बैंक में दस करोड़ भी पड़े हों अगर बैंक जब तक खुला है तब तक आप निकाल सकते हैं अगर बैंक बंद हो गया तो फिर वो मिट्टी है इसलिए बाबा ने बड़े प्यार से हमें कहा है बहानेबाजी बंद करो बाबा ने मुरलियों में क्या हुआ कि ब्राह्मणों के एक बाजी बहुत ज़्यादा आती है वह है बहानेबाजी तो कहते तुम बहाना करोगे तो ड्रामा भी आपके साथ बहाना कर देगा एंड जब मौका आएगा ना तो ड्रामा भी बहाना कर देगा कभी आपने अफग़ानिस्तान से लोगों को भागते देखा था प्लेन में जब अफ़ग़ानिस्तान से लोग भाग रहे थे तो प्लेन के परों पर भी लोग चढ़ रहे थे ऐसे पकड़ रहे थे भागते जैसे कि बेचारे गिर गए लेकिन वो हालत वो तो एक देश से भागने की थी और फिर उस वक़्त ख्याल आएगा मुझे मौका तो था बाबा ने मुझे कहा भी था अब जिन्होंने अमृत वेला किया ही नहीं उनको ये चार शब्दों का पता भी ना हो शायद ये पता होगा हैं अच्छा और जिन्होंने सुना भी उन्होंने देखो सीरियल चेंज कर दिया कि आलस पान तो बाबा रोज कहता है लेकिन जो बाबा ने ऊपर का कारण बताया था बाबा कहते आपको शरीर का भान आपको आलस करवाएगा अलबेलापन कराएगा शरीर कहेगा तू थक गया और लालच क्या देगा थोड़ा रेस्ट कर लो ज़्यादा सेवा कर थोड़ा रेस्ट कर लो डबल सेवा करेगा नहीं तो क्या फायदा थका थका, थका जाएगा धोखा तब बाबा रोज कहता है शरीर को ऑर्डर दे के चलाओ ये तुम्हारा दास है ये तुम्हारी रचना है तुम इसके गुलाम नहीं हो ये तुम्हारा गुलाम है लेकिन फिर भी शरीर ऐसा धोखा करता है मैं तुम्हारा फायदा सोच रहा हूँ लेट के योग लगाओ अच्छा लगेगा है अच्छा अब आत्मा लेटने से आत्मा लेट जाती है क्या है? बाबा हमेशा कहता है कि लेटे तो दो घड़ी बाद कहाँ के कहाँ हो गए तुम तो, और बैठोगे तो टेंशन रहेगी तो ये धोखा नहीं है मन का फिर शरीर और दस बातें करेगा बैठना है ना तो पहले पंखा देख कहाँ हवा आ रही है तब बैठना अब ये कौन लालच दे रहा है जब विनाश का टाइम आ गया तो क्या पंखे चलेंगे उस वक्त आपको उड़ना होगा तो आप कहेंगे मैं पंखे के नीचे बैठूं फिर मैं उड़ूँगा इसलिए बाबा कहते हैं जो परिस्थिति आए पंखा मिल जाए वो भी ठीक है ना मिले तो और भी अच्छा है क्योंकि तो डिफ़िकल्ट परिस्थिति में जो रहना जानता है वो आ, उस वक़्त उसको आसान लगेगा और जो आसान परिस्थिति में रहना जानता है मुश्किल आएगी तो बहुत मुश्किल लगेगा शरीर छोड़ना जिसको मुश्किल लगता है एंड में जब कहेगा मैं आत्मा हूँ उड़ उड़ेगा <coughs> जैसे अब कहते हैं शरीर में बैठे हैं ध्यान शरीर का रख रहे हैं और कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ दूसरे को सुना रहे तू आत्मा है तू परम धाम की निवासी है अमृत वेले बहुत अच्छा योग लगता है सुना तो किताब पढ़ रहे हैं ना ऐसे आलू बनते हैं ऐसे इसमें पानी डलता है पकिया तो नहीं कभी जब बनाने लगेंगे तो कहेंगे लिखा तो है धो साबन से धो या नहीं ये नहीं लिखा तो फिर क्या होगा आपका हाल इसलिए बाबा कहते हैं कि अब जो कुछ मैंने ज्ञान दिया उसको सुना समझा माना अब उसको आपने अपना बनाना क्योंकि तो अब ज्ञान मिलना बंद हो जाएगा जितना आपने बना लिया आपका बाक़ी एक्स्ट्रा जैसे पानी में से बिजली निकालते हैं जितना पानी में से निकाल ली बाकी तो बह जाएगा तो जो आपने भगवान ने आपको देसी घी का टीन दे दिया पर टीन क्या करेगा जितना आपने हजम किया आपका और वो चमचा चमचा ही हजम होगा क्योंकि एंड में मैं सारा टीन पी जाऊंगा वो होने वाला नहीं है तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा ये बहुत बड़ा धोखा है अंत में कर लेंगे पहली बात तो अंत का बाना है अब <coughs> आप बैठो यहां बैठ के देखो <coughs> कितने बचे हैं कितने चले गए है ना अच्छे अच्छे चले गए सारा मैदान खाली होता जा रहा है तो आप समझो कि सारे चले जाएंगे मैं बच जाऊंगा तो कहाँ की एकल मंदी है, है ना? तो इसलिए ये भी एकल बेलापन है बहानेबाजी का मतलब होता है आज का कल पर टालना तो भगवान कहता है जो करना गीत भी बना हुआ शुभ कर्म में ना देरी करो ये अलग बात है वो गीत लिखने वाला भी देरी करती है उसने लेकिन ये है ऐसे कई हैं जो बोलते हैं लेकिन आज भी बाबा ने कहा खून से लिखते हैं तो भी आउट माया बड़ी स्ट्रांग है तो अपने पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्यों कल कुछ हो जाए कोई रोग आ जाए कुछ एक्सीडेंट हो जाए कोई भरोसा थोड़ी है लोगों के हुए हैं कि नहीं हुए हैं इसलिए अगर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन चलेगा यहाँ से ओ आर सी की गिनती कर लो मैं समझता तो एक लिस्ट बना के बाहर लगा दें साथ फोटो लगा दें भवतोष फलाना तो आपको पता लग जाएगा कि शायद मेरा भी नंबर आ सकता है ना इसलिए मन में रखें बाबा ने ये बाबा के शब्द हैं अचानक अचानक शब्द हमारा नहीं है अब आप देख रहे हैं ना अचानक कोई कह के नहीं मेरी तो गारंटी है और संगम युग के अंत तक तो मेरी गारंटी ऐसा नहीं है मेरा संगम युग कभी भी समाप्त हो फिर एवर रेडी तो हम समझते हैं अचानक भी हो कोई बात नहीं एवर रेडी तो हम हैं ही है ये थोड़ी कि कोट पहन के आएंगे लेकिन भगवान कहता है नहीं एवर रेडी का कुछ मतलब है हिसाब कताब चुगतू किया हो कुछ कमाई जमा की हो ऐसे एवर रेडी तो सारे के होने वाले हैं तो फिर बहुत काल अब बहुत काल बड़ा इम्पोर्टेंट है किसी को बहुत काल से एक चीज़ होती है नेचुरल हो जाती है सवेरे उठना उसके लिए नेचुरल हो जाता है डबल रोटी वाले सवेरे उठते हैं बस चलाने वाले सवेरे उठते हैं ट्रेन चलाने वाले जो जॉब करते हैं सवेरे उठते हैं आप देखो जाके और हम भगवान के रॉयल बच्चे जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते न, हैं ना वो कहते हैं गवर्नमेंट ये तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट सर्वेंट है परवाही नहीं तनख पूरी मिल जानी है लेकिन भगवान कहता है आगे जो तुम्हारा पेंशन है वो कट रहा है इसलिए ध्यान रखना तो बहुत काल आपका मुश्किल को आसान कर देता किसी को जैसे आप बीके हैं बहुत काल से बाहर का भोजन नहीं खाते बहुत काल से पवित्र रहते उनको आसान लगता है दुनिया वाले कहते हैं ये कैसे हो सकता है हम ट्रैवल करेंगे रास्ते में खाना कहाँ मिलेगा तो आदत है इसलिए ये बहुत काल बहुत काल हम सतयुग से हमारा पाठ शुरू होगा थोड़ा काल मीन फिर वो बोरी नीचे चली जाएगी तो आखिर जितना जमा होगा फिर इतना बनेगा आज भी किसी को आप कोई छोटी सी चीज दो और बड़ा थैला दो तो क्या कहता है क्या कहता है कि भगवान आपको बड़ा थैला दे भी दे सबको बराबर की थैलियां हैं अंदर झांको तो फर्क होगा फिर क्या होगा है ना इसलिए देखने में शरीर सबके एक जैसे हैं आत्मा एक जैसी हैं वो तीन बंदर भी एक जैसे ही थे लेकिन तीन बंदरों की वैल्यू में फर्क क्यों था है ना तो जो बेसमझ बंदर को कहेगा ये भी तो मेरे जैसा ही है मेरे ही साइज का है है मेरी वैल्यू इसकी वैल्यू इतनी क्यों लग रही है तो भगवान कहता कोई कारण होगा कि नहीं होगा तो मोटी बुद्धि क्या देखता है वो कहा जाता है ना अकल बड़ी या भैंस भैंस का साइज तो उतना ही है लेकिन भैंस की वैल्यू में भी फर्क होता है आपको पता इसलिए अपना भला सोच के मैं अपना मित्र हूँ अपना शत्रु हूँ किसी बात में अड़ना जिद करना तंग करना है मैं करना सहयोग ना देना आता है ना लेना आता है तो क्या होगा फिर भगवान कहते कि जो गोल्ड है गोल्ड का मतलब होता है जो मोल्ड हो जाए अगर मोल्ड नहीं होता तो गोल्ड तो गया मोल्ड मैंने क्या होता है हर परिस्थिति में वैसा ही रहे किसी परिस्थिति में हंस दे किसी परिस्थिति में रो दे तो गोल्ड से तो गया गोल्ड में सिल्वर की मिलावट करते हैं कभी सिल्वर में गोल्ड की मिलावट नहीं करते आजकल क्या करते हैं सिल्वर तो के ऊपर गोल्ड का थोड़ा सा पॉलिश चढ़ा देते हैं ये गोल्डन लग गया अच्छा फिर वो कहते है, सिल्वर पे का चढ़ाना है प्लास्टिक पर ही चढ़ा दो है ना तो ये आज की दुनिया है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है देखने में बड़ा भगवान कहता है आत्मा का साइज कितना है ताजा भगवान ने क्या बताया आत्मा का साइज किससे मुकाबला किया बताओ अभी मुरलियां पड़ी है ना अपने किससे भगवान ने आत्मा के साइज का मुकाबला किया खसखस -खस के दाने से खसखस -खस के दाने से खास तौर पे किया आ, वो कहता है कि दो आत्माएं साथ साथ रहेंगी अगर बहुत शिबाबा बाबा बड़ा तो गोला निकले आएगा बाहर इसलिए अब एक जरा से खसखस -खस के दाने जितने आम आत्मा उसमें उसकी वैल्यू में इतना फर्क शिव बाबा भी खसखस -खस के दाने जितना है और लोगों का तो दिमाग घूम जाए तो साइज़ देखते हैं इसलिए भगवान कहता है इतनी छोटी सी आत्मा को संभालना मुश्किल है क्या अगर हम बड़ा शरीर देखते रहेंगे बड़ा शरीर देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा तो शरीर का ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है आत्मा तो हम कहते हैं तो शरीर को आप अगर लगाम पकड़ के चलाओगे तो आपका मित्र है अगर बहाना करोगे थक गए शरीर बहुत चला के कहेगा तुम रात को आ किसी से पूछो कि भाई तुम अमृत वेले नहीं आए रात को बारह बजे तक मैं ये काम करता रहा था वास्तव में कोई रात को बारह बजे तक कर पहले तो ज़रूरत नहीं है अपनी दिनचर्या ठीक रखें करते भी रहें तो जो प्रायोरिटी की चीज़ होती है ना उस व्यक्ति मन उसको वहाँ ले जाता और वो भी खुशी से बैठना दिखावे से बैठना उसकी भी कई क्वालिटीयां आप तो जानते ही हैं यहाँ बैठकर स्टेज पर कभी आप अमृत मेले के दस मिनट बाद फोटो लेंगे तो आपको कई सीन नजर आएंगे बाबा तो कई बार बयान करता है ऊपर से कि क्या क्या सीन होते हैं उसमें तो मत नजर आएंगे उनको पता ही नहीं लगता बीच में गैप कितना हो गया मतलब आएंगे थोड़ी देर आ खुलेगी उसके बाद भी खुलेगी या तो कोई गीत बज जाएगा या कुछ होगा तो समझेंगे हम यहीं बैठे थे तो जैसे वो बोरी में गैप है ना अमृत में की बोरी में भी गैप होता है होल होता है छोटा छोटा इसलिए भगवान कहता है सड़क पे भी होल होते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं है ना आप आराम से जा रहे हैं एक गड्ढा आ गया दिक्कत हो जाती है और उसके नीचे क्या होता है वो सब लोग जानते हैं इसलिए भगवान कहते हैं जागते रहो जागते रहो ये ये जागना नहीं है ये अंधकार ब्रह्मा की रात है हमारी रात है हम नवरात्रि मनाते हैं वो भी रात है शिवरात्रि मनाते रात को मना लेते हैं लेकिन रात में हम जागना है वो हम नहीं करते वो जो गीत गाते हैं रात को नवरात्रि के शराब पी के गीत गाते हैं बताओ वो क्या जगराता करेंगे हैं इसी तरह से लोग भी उसी प्रकार से कोई बड़ा सेठ होगा तो घर में नवरात्रि दिखा देगा ये सब कलयुग है हमको तो असली जागरण करना थोड़ी देर का है उसके बाद सारा सतयुग सारा त्रेता हम जागते रहेंगे द्वापर में जरा सी नींद आएगी अब तो घोर अंधेरा है बाबा ने दो दिन पहले क्या कहा है के लिए क्या शब्द यूज़ किया बाबा ने दो दिन पहले मुरली में कलजु के लिए क्या शब्द यूज किया बढ़िया शब्द है ब्लैक आउट ब्लैक आउट यूज किया उसका मतलब क्या होता है जैसे उन दिनों में बाढ़ के दिनों में ब्लैक आउट कर देते किसी को दिखे ना जहाँ शहर है बत्ती बंद रखो यहाँ तो है ही ब्लैक आउट ब्लैकआउट में क्या होता है ऐसे ऐसे चलते हैं घर से निकलते ही नहीं है तो ऐसी दुनिया में हमें अपने घर कौन सा कह रहा है हमारा ब्रिकुटी उससे निकलना ही नहीं कछुए की तरह मतलब से बाहर जाओ आ जाओ और कोई जब लौकिक का नाम लेता है मुझे लौकिक में जाना है लौकिक में ड्राई फ्रूट भेजना है लौकिक में पैसा भेजना है और फिर रस्ते में कुछ हो गया वो तो हो ही जाता है तो आप बताओ परम धाम जा रहे हो भगवान कहते हैं चल तू मेरा बच्चा ठहर जाओ मैं अपने लौकिक वाले को भी बुला लेता हूँ फिर जाऊँगा हो गया छुट्टी तो ये लोक कल है ये नरक है नरक से भगवान ने हमें निकाला है और नष्टोमुहा हमको होना ही है इससे मोहा होना तो तो लौकिक क्या रहा हमारा कब्रिस्तान में दो कब्रें साथ साथ पड़ी हों तो कोई रिश्तेदारी होती है ये तो कब्रिस्तान है नाम ही इसका मुर्दाबाद है तो जिंदाबाद होना ये भगवान कहता है मैं तुम्हारे जिंदाबाद करता हूँ तुम फिर मुर्दाबाद हो जाते हो इसी बात बस बा... वो मुर्दे को क्या होता है एक तो मुर्दा अकड़ा हुआ होता है जिंदा में जान होती है तो जो व्यक्ति के अंदर अकड़ है जिसको हम कहते अभिमान है उसको उस गिनती में ले लो कि बेचारा अध मरा है चल तो रहा है लेकिन यहाँ से ब्राह्मण दुनिया से तो मरा हुआ तो यहाँ ऐसा भी है मरे हुए अध मरे गहरे सोए हुए कम सोए हुए हल्के सोए हुए बाबा के पास सब कैटेगरी हैं, जैसे सेब होते हैं ना रखे हुए फर्स्ट क्लास से दूसरा तीसरा कहीं रौनक बहुत होगी टेस्ट नहीं होगा बाबा ने क्या रखा है रंग रूप होगा खुशबू नहीं होगी लेकिन जिसमें टेस्ट भी हो ताकत भी हो रंग रूप भी हो खुशबू दूर से खुशबू आए अमरूद पड़ा है तो तब आपको मज़ा आएगा इसको बाबा कहते हैं मेरे बगीचा सूखे हुए ड्राई फ्रूटों का ओ आर सी नहीं है ये